अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ लेक्चर नंबर 6 ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर एंड लेक्चर नंबर 5 एंड 4 वी हैव डन अबाउट रियल नंबर्स एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हिस्ट्री या कॉम्प्लेक्स नंबर आया कैसे। तो जैसे रियल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स नंबर हमने पढ़े थे, उनकी इक्वेशन में से ही वो सेट बना था, इसी तरह इस कॉम्प्लेक्स नंबर की भी एक इक्वेशंस थी। तो सबसे पहले इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, या इसको ऐसे भी कहें एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वन उस तरफ चली जाए तो माइनस वन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। तो स्क्वायर इसका कैंसिल करेंगे तो उस तरफ अंडर रूट आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर रूट माइनस वन की कोई भी रियल नंबर में ऐसा नंबर नहीं है जो मौजूद हो। तो साइंसदानों ने इस नंबर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक न्यू सेट तारफ करवाया जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। तो इस इक्वेशन को अंडर रूट माइनस वन को उन्होंने आयोटा की फॉर्म में रखा, आयोटा प्लस माइनस वन, तो इट कांट हैव अ रियल सॉल्यूशन, मतलब एक्स के हिसाब से एक्स को रियल सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे इस सेट के जो सॉल्यूशन सेट होगा वो इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा। वंस अगेन न्यू टाइप ऑफ नंबर मस्ट बी इन्वेंटेड, अ नंबर हुज स्क्वायर कैन बी नेगेटिव, मतलब यहाँ पे नंबर, न्यू नंबर इन्वेंटेड किया गया है जिसका स्क्वायर रूट नेगेटिव है। दीज न्यू नंबर्स आर अमंग द नंबर्स कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो न्यू नंबर हमने निकाला है, इस न्यू नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब चलते हैं नीचे डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ फॉर्म ए प्लस बी आयोटा वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होगा ए प्लस बी आयोटा की। तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ एक रियल नंबर भी होगा, एक इमेजिनरी नंबर भी होगा। तो इमेजिनरी नंबर जब जब डिस्कस होगा तो उसके साथ आयोटा ज़रूर होगा। तो वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड आई इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट, मतलब आई को हम इमेजिनरी यूनिट कहेंगे और ए और बी रियल नंबर्स कहेंगे। तो इन रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर्स को दोनों आपस में मिलाएंगे तो इस सारे नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर ए कामा बी आर रियल नंबर्स, यहाँ पे ए प्लस बी जो है दोनों रियल होगा। आयोटा दिस शोज द इमेजिनरी यूनिट। सेकेंड डेफिनेशन, द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर जेड बराबर हो एक्स प्लस आयोटा वाई के, यहाँ पे लिखा है इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट जेड, मतलब यहाँ पे z बराबर जब होगा x प्लस आयोटा वाई के तो x को हम, दिस होल नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड x इज कॉल्ड रियल पार्ट, इस x को हम रियल पार्ट कहेंगे और जबकि y वाले पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, y इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z। तो इस नंबर को हम लिखेंगे z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, हम इसको इस तरह भी रख सकते हैं, एक्स कामा वाई भी रख सकते हैं, इसी तरह जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा वाई हो तो इसको इस तरह रख सकते हैं एक्स कामा माइनस वाई। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर पहला एलिमेंट होगा वो रियल नंबर्स को शो करेगा, दूसरा एलिमेंट इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा। तो ये इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों होंगे जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के। इसी तरह इस कॉम्प्लेक्स सेट को हम इस फॉर्म में रख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू रियल क्रॉस रियल इज इक्वल टू एक्स कामा वाई वेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद
सम फार्मूलाज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हियर फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे जो नंबर्स हम उठाएंगे ए बी सी डी जनरल नंबर हैं अल्फ़ाबेट, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेंगे। सबसे पहले जो फार्मूला है वो इक्वलिटी का फार्मूला है। ए कमा बी इज इक्वल टू सी कमा डी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू डी। तो ए बराबर सी के होगा, बी बराबर डी के होगा। इसका मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट से बराबर होगा। तो इस इक्वालिटी, इसको हम इक्वालिटी फार्मूला कहेंगे। अगर ए और बी, सी और डी, ये दोनों यहाँ पे ए और सी डिफरेंट होंगे और बी और डी आपस में डिफरेंट होंगे, ये तभी आपस में बराबर हो सकेंगे जब ए और बी का हम एक ही वैल्यू उठाएं और बी और सी का एक ही वैल्यू उठाएं। इसी तरह सेकंड फार्मूला है एडिशन का फार्मूला। तो एडिशन का फार्मूला है ए कामा बी प्लस सी कामा डी। ये चार नंबर्स होंगे एडिशन में मिले हुए, ए बी सी डी, दोनों चारों के बीच में यहाँ पे एडिशन होगी। तो एडिशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से ऐड करेंगे, उसके बाद दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ऐड करेंगे। तो ए कामा बी कामा सी और डी सारे बिलोंग करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से। इसी तरह तीसरा फार्मूला मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है। यहाँ पे भी चार कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले होंगे ए और बी कामा डॉट सी कामा डी। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय द कॉम्प्लेक्स फार्मूला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई करेंगे सी से, उसके बाद माइनस बी मल्टीप्लाई डी कामा, इसी तरह ए मल्टीप्लाई डी प्लस बी मल्टीप्लाई सी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यह है मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला। उसके बाद डिवीजन का फार्मूला आता है। तो डिवीजन का फार्मूला, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवीजन फॉर्म में होंगे तो उसको डिवीजन के फार्मूले के हिसाब से हल करेंगे। तो ए प्लस ए मल्टीप्लाई करेंगे सी से सबसे पहले, प्लस बी का बी मल्टीप्लाई करेंगे डी से, और डिवाइड में सी स्क्वायर करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्क्वायर करेंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसी तरह बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फॉर ऑल बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह नंबर फाइव में यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फार्मूला है। दो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है ए कामा बी, उसके इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे मालूम करेंगे। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है आपको और आपको कहे कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका फाइंड करें, तो इस फार्मूले के हिसाब से फाइंड करेंगे। इससे पहले एडिटिव इनवर्स आता है। एडिटिव इनवर्स, दो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है ए कमा बी, उसका इन्वर्स करेंगे, उसकी साइन को चेंज करेंगे जब एडिटिव इन्वर्स की बात करेंगे। इसी तरह जब मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स की बात करेंगे तो उसका इन्वर्स का यही फार्मूला है, ए कमा बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह है मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कुछ फार्मूलाज थे जो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले इक्वलिटी वाला फार्मूला, तो दो नंबर्स के बीच में इक्वलिटी होगी, उसके बाद एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कैसे होगी, इस तरह मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, इस तरह डिवीजन कैसे होगी, इस तरह एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कैसे निकाल सकते हैं। सो बाय दिस फार्मूलाज वी कैन फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो नाउ द टॉपिक इज द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड्यूलस कैसे फाइंड करेंगे। तो मॉड्यूलस और द मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, मगर यहाँ पे मॉड्यूलस भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं और एब्सोल्यूट नंबर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले मिला होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। इसी तरह पहला रियल नंबर, रियल पार्ट, दूसरा इमेजनरी पार्ट, इसको इस तरह भी रख सकते हैं एक्स कामा वाई, इन ऑर्डर पेयर की सूरत में भी रख सकते हैं, मगर यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर होगा वो रियल पार्ट सबसे पहला कहलाएगा, उसके बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आर इमेजनरी पार्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे मॉड्यूलस के लिए सबसे पहले मॉड्यूलस की निशानियाँ देंगे, इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मॉड्यूलस दी। उसके बाद इस मॉड्यूलस को हल करेंगे, मॉड्यूलस को इसके स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जेड आ गया, जेड इज इक्वल टू अनरूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे दिस इज़ द प्रॉपर्टी, तो इसको मॉड्यूलस को हल किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। तो सबसे पहले इसको रियल पार्ट कहा, प्लस में इमेजिनरी पार्ट कहा। तो दिस इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द फार्मूला, दिस इज वे टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर कोई भी आपको एग्जाम्पल मिले, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड करना हो, तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे? कॉन्जुगेट की सिंपल डेफिनेशन ये है, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। किसी भी इमेजिनरी पार्ट की साइन अगर चेंज की जाए उसको कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले इफ़ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सबसे पहले हमें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन हो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हल किस तरह करेंगे? तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले मिला हुआ है उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, कॉन्जुगेट के लिए बार आएगा। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो कॉन्जुगेट की निशानी सबसे पहले बार आएगा। बार का मकसद कॉन्जुगेट हमें हल करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जेड बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस आयोटा वाई, तो इज इक्वल टू जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। मैंने आपको पहले कहा कॉन्जुगेट का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ एनी कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो बार मकसद साइन चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, मतलब इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे पहले था आयोटा वाई, उसका हम अगर बार फाइंड करेंगे तो इसकी इमेजिनरी पार्ट को की साइन को हम चेंज करेंगे। मगर यहाँ पे अगर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी, अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगी। तो जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई आ गया। अगर इसी तरह दो बार जेड के ऊपर होते, सपोज कीजिए यहाँ पे एक बार आ गया, उस बार का जवाब आ गया एक्स माइनस आयोटा वाई। अगर दूसरा बार होता जेड बार, मतलब यहाँ पे भी एक बार आ जाती, तो यहाँ पे अगर बार आ जाती फिर उसका जवाब क्या आ जाता? एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका उल्टा आ जाता। इसका मकसद जेड बार डबल बार, जेड जब डबल बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका मकसद जेड के बराबर है, जेड डबल बार इज इक्वल टू जेड। तो दिस इज कॉल्ड द चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट नंबर। तो यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा है, उसके बाद कॉन्जुगेट नंबर पढ़ा है, उसके बाद सम फार्मूलाज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ और किस तरह इंट्रोड्यूस हुआ, उसको किस सेट में रखा गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेट को हम रियल का एक्सटेंशन फॉर्म, एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स भी कह सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर सबसे पहले आए थे, उसके बाद होल नंबर आए थे, होल नंबर में एक्सटेंशन थी, नेचुरल नंबर भी आ गए थे प्लस में, कुछ नंबर एक नंबर एट भी था जीरो। इसी तरह इंटीजर नंबर आए थे, वो एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ सेट थी होल नंबर की। इसी तरह इंटीजर के बाद रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ जेड। इसी तरह जेड की वरी फिर रेशनल नंबर की रेशनल नंबर की एक्सटेंशन फॉर्म रियल नंबर आ गई। रेशनल और रेशनल को हमने रियल नंबर कहा। इसके बाद अब रियल की एक्सटेंशन फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर सेट आ गया। तो यहाँ पे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स सेट में रियल नंबर सेट भी आ गया, प्लस में इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। तो दिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी, दिस इज समहाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी तरह आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 आपके लिए असाइनमेंट है, तो आप खुद करें। थैंक यू।